असलम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आप ये देख के सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों दिखा रही हूँ आपको। तो ये बॉडी वॉश है नेविया का। नेविया की मैंने और भी चीज़ें यूज़ की हैं, लेकिन बस नॉर्मल रिज़ल्ट है, इतना ख़ास नहीं है। लेकिन बॉडी वॉश का वाकई बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका, और बॉडी वॉश बहुत अच्छा है, स्मेल बहुत अच्छी है। तो और भी मैंने बहुत सारे बॉडी वॉश यूज़ किए हैं, नेविया का तो खैर फर्स्ट टाइम यूज़ किया है, लेकिन इससे पहले जो मैंने ओसो हेवनली और यार्डली का या पॉन्ड्स का या जॉनसन का या मदर केयर में या और भी बहुत सारे कुछ, ये तो खैर ये बच्चों वाली प्रोडक्ट है जो मैंने पहले बहुत पहले यूज़ की थी, ये वाली प्रोडक्ट जब क्या कहते हैं, ज़रा आइडिया मुझे इतने सारे बॉडी वॉश का नहीं था, तो मैं ज़रा लाइटी केमिकल वाली ये चीज़ें यूज़ कर रही होती थी। लेकिन अब जो है ज़रा इस बच्चों से हटके जो बड़े वाले बॉडी वॉश हैं उनको मैंने यूज़ किया है, और प्लस लक्स का बॉडी वॉश भी मैंने यूज़ किया है। तो इन सारे जितने बॉडी वॉश के मैं नाम ले रही हूँ, इन सब के रिज़ल्ट बेहतरीन है, स्मेल बेहतरीन है, लेकिन बस फ़र्क ये है कि कुछ की जो इनमें मुख्तलिफ फ्रेगरेंस हैं उसमें कुछ की बहुत अच्छी है, कुछ की बस नॉर्मल है। इसका नेविया का जो बॉडी वॉश पहली दफ़ा यूज़ कर रही हूँ, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, और स्मेल भी बहुत अच्छी है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है सेम इसी तरह। लेकिन जो मैंने इसकी क्रीम या लोशन यूज़ किए हैं वो बस नॉर्मल, उनका रिज़ल्ट इतना ख़ास नहीं है। तो इसका मुझे रिव्यू देना था, और जब भी मैंने संभाल के रखा हुआ था और मैंने अभी यूज़ नहीं किया इसको बंद करके, तो मैंने कहा पहले मैं अपनी YouTube फैमिली से इसको शेयर करूँ इसके साथ के एक्सपीरियंस को, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको यूज़ करेंगे। तो आप भी ये यूज़ करें, और अगर जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता होगा इसके रिज़ल्ट, और जो लोग नहीं, जिन्होंने अभी तक यूज़ किया है तो वो यूज़ करके देखें, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग में नई चीज़ के साथ। जब तक बने रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।